हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज दुकान से हम जल्दी आ गए हैं। मैंने हाफ टाइम ही काम किया क्योंकि गाइस मुझे कॉलेज का कुछ असाइनमेंट प्रोजेक्ट वर्क करना था, तो वो भी ज़रूरी है गाइस, इसलिए हम आज दुकान पर हाफ टाइम काम किया और मैं सीधा घर आ गया हूँ क्योंकि हाफ टाइम में वो लिख लूँगा। तो गाइस, आज का दिन है थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि गाइस हम लोग खरीदने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी। तो शाम को मेरे पापा घर आएंगे तो हम दोनों जाएंगे शोरूम। तो पहले तो हम कैसा क्या फीचर है उसके बारे में पता लगाएंगे और अगर आज ही पसंद आ गई पापा को तो आज ही खरीद लेंगे। तो अभी शाम को 4-5 बजे मेरे पापा घर आएंगे और हम दोनों निकलेंगे शोरूम की ओर। तो मिलते हैं गाइस शोरूम में। फाइनली गाइस, हमने इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी को घर लेकर आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव करने और बताएंगे गाड़ी कैसी चल रही है, कैसी गाड़ी है, कितना चार्ज लेती है, कितने किलोमीटर तक चल सकती है फुल चार्जिंग पर, वो सब बताएंगे गाइस टेस्ट ड्राइविंग के बाद। तो मिलते हैं गाइस टेस्ट ड्राइविंग के बाद। तो फाइनली गाइस, हमने इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की टेस्ट ड्राइविंग कर ली है और गाइस बहुत मज़ा आया हमको। और डुग्गू भी हमारे साथ गया था, गया था ना डुग्गू? तो कैसा लगा डुग्गू तुझे घूमने में स्कूटी पर? अच्छा, मज़ा आया बहुत। मज़ा आया। हाँ, तो डुग्गू ने भी स्कूटी पर बैठकर बहुत मज़ा लिया और गाइस मुझे बहुत मज़ा आया। और गाइस जो स्कूटी है उसका बहुत ही लाइट वेट है और किसी के बगल पे से अगर आप निकलोगे तो उसको पता ही नहीं लगेगा क्योंकि गाइस उसमें साउंड तो है ही नहीं। और गाइस मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की, इसमें रिवर्स गियर भी दिया है, जैसे कि आप कहीं पीछे ले रहे हो, थोड़ा सा पीछे मोड़ रहे हो गाड़ी को तो रिवर्स गियर लगाकर आप उसको पीछे भी कर सकते हो। और दूसरी बात गाइस, उसमें LED बल्ब दिए हैं और बहुत ही लाइट वेट है तो 10-12 साल का बच्चा इजीली तो चला ही सकता है। 0 to 100 चार्ज लेने में 4 से 5 घंटे का समय लेती है और फुल चार्ज होने के दौरान ये बाइक 60-70 किलोमीटर आराम से चल जाएगी स्कूटी। और गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में।